गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल गुलशन। आज हम एडजस्टमेंट इन कैपिटल, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर से क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने दो वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ एडजस्टमेंट इन कैपिटल के रिगार्डिंग, उसमें भी मैंने कुछ टॉपिक सिखाए हैं, लेकिन ये उन सब में सबसे आप ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, काफी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है। मैं एक बार आपको जो है इसकी पिक दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आप देख लेना, मैं रिवाइज भी करूंगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर जो है 58, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपकी बुक में होगा। इसकी आगे की फर्दर भी जो है आप देख सकते हो, ये जो है इसका पार्ट रहेगा जो है इस टाइप का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन। वीडियो को पोस्ट करके आप अपनी बुक में फाइंड आउट कर सकते हैं। 2019 की डीके गोयल बुक में ये 58 इलस्ट्रेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन को मैं बार रीड कर देता हूँ। एबीसी पार्टनर है, 31 मार्च 2018 के अकॉर्डिंग उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के आइटम गिवन है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बी रिटायर होकर जा रहा फर्म में और कुछ रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग जो है एसेट लाइबिलिटी को घटाने की बात बोल रहा है ये। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये बता रहा है कि गुडविल फर्म की वैल्यू इतनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है, और जो है हमें अपने एडजस्टमेंट इन कैपिटल करनी है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा आपको। एक चीज हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, वर्किंग नोट देना है, तो आपको ये अकाउंट एक साथ बनाने पड़ेंगे। एक साथ बनाएंगे तो एंट्री जो है मैक्सिमम ट्रांसफर होगी और गलती कम से कम होगी। ठीक है, तो उसी तरीके को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले मैं जो तरीका हमेशा बताता आया हूँ कि बैलेंस शीट से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास एबीसी पार्टनर है, रेशो कुछ नहीं दे रखा है, तो ओल्ड रेशो क्या रहेगी, 1:1:1, क्लियर है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, एसेट है, एसेट में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, कैश एट बैंक है, बस नोट डाउन करके छोड़ दीजिए, अमाउंट मत लिखिए, क्योंकि कुछ भी जो चेंज होगा वो चेंज करने के बाद हम फाइनल अमाउंट जो है लिखेंगे। डेटर है, स्टॉक है हमारे पास, फर्नीचर है, मैं सिर्फ अमाउंट लिख दे वैल्यू सिर्फ एसेट को लिख रहा हूँ, वैल्यूज को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स है, हम क्रेडिटर्स यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब मैं अमाउंट नहीं डालूंगा, जनरल रिजर्व है। अब देखिए, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का रूल ये बोलता है कि डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट हो जाते हैं, तो मैं उसको लाइबिलिटी में लिखने की बजाय बाय जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 3,000 रूपये के है, हर एक पार्टनर को 1,000 रूपया मिल जाएगा। 1,000 पता होगा ना क्यों आया, क्योंकि इक्वल रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है, इक्वल रेशो है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास एबीसी की कैपिटल है, वो कैपिटल भी यहाँ ही आएगी, वहां नहीं जाएगी, वहां तो जो हमारी न्यू कैपिटल होगी वो जाएगी बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। कितनी कैपिटल है, 8,000 रूपये है हमारे पास, 6,000 है बी की हमारे पास, और सी की कितनी है, 4,000 रूपये, क्लियर है स्टूडेंट। देखिए, एसेट लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई है पुराने वाली। अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि बी रिटायर होकर जा रहा फर्म पे, और बी के रिटायरमेंट के टाइम पे कह रहा है कि स्टॉक और फर्नीचर को 5% और 10% से रेड्यूस कर दो। रेड्यूस कर दो तो लॉस हो गया एसेट में, 2 स्टॉक और 2 फर्नीचर। स्टॉक को 5% से, फर्नीचर को 10% से। स्टॉक की वैल्यू पुरानी कितनी है हमारे पास, 10,600। 10,600 का 5% कितना बनता है, 530 रूपया बनता है, तो 530 रूपये से आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 10,600 में से 530 रूपया घटा के स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 10,070 रूपये, मतलब 10,070 रूपीज वहां पे डाल दीजिए। फर्नीचर को 10% से घटाना है, फर्नीचर की पुरानी वैल्यू 2,000 है, 10% 200 रूपये बनता है, तो 200 रूपये से घटाएंगे और 9,800 बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहां तक की बात क्लियर होगी, चलिए आगे। डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बना दीजिए। डेटर आपके पास कितने, 9,000। 9,000 का 5% कितना बनता है, 450 का, तो 450 का प्रोविजन बना दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और जो आपके पास यहाँ पे डेटर है, कितने रुपए के डेटर है, 9,000 रूपये के डेटर है, उस 9,000 में से प्रोविजन माइनस करके जो है 450 का, ये 9,000 है, 9,000 में से 450 का प्रोविजन माइनस कर दीजिए, 8,550 रूपीज का जो है अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई है, चलिए आगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेंट जो है एक आउटस्टैंडिंग है 260 रूपये का, 260 का वो अभी तक दिखाया नहीं है, तो एक रेंट भी आप डाल दीजिए रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में रेंट आउटस्टैंडिंग करके,
और रेंट आउटस्टैंडिंग अभी पेड नहीं किया, लाइबिलिटी है तो पेड करना पड़ेगा कभी ना कभी, लाइबिलिटी साइड में भी डाल दीजिए। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का है? 260 का। क्लियर है? क्रेडिटर को लेकर के कोई चेंज नहीं हुआ है, तो क्रेडिटर की जो वैल्यू है 7096, तो पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहां तक की आपको बात क्लियर होगी? चलिए आगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी की जो फ्यूचर रेशो है वो कितनी है? 5:3, तो न्यू रेशो हमारे सामने। और क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो है, गेनिंग रेशो हम निकाल लेंगे। गेनिंग रेशो कैसे निकलते? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो मैंने कैलकुलेट की हुई है, कितनी आ जाएगी? 7:1 आ जाएगी ए और सी में। क्लियर कर लेंगे यहां तक का? आगे चलिए। अब फर्म की वैल्यूड गुडविल कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है फर्म की वैल्यूड गुडविल जो है वो 4200 है। इस 4200 में जो बी रिटायर होकर जा रहा है, बी को शेयर कितना मिलेगा? 4200 × 1/3। ठीक है, तो बी को कितना शेयर मिलेगा गुडविल में? 1400 रुपीज का। और 1400 का ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा? ए कंट्रीब्यूट करेगा 7/8, 7/8 गुना 1400। और सी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? सी कंट्रीब्यूट करेगा 1/8 × 1400, क्योंकि वैल्यूड गुडविल को जाने वाले पार्टनर में गेनिंग सैक्रिफाइस में बांटा जाता है। तो 1225 तो जो है हमें इससे मिलेंगे, और 175 जो है सी से। जनरल एंट्री क्या पास होगी? ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल। कर लेंगे इस चीज को। चलिए आगे, तो पास कर दीजिए। ये कॉन्ट्रा एंट्री की तरह होगी। बी के कैपिटल में क्रेडिट जा रहा है, तो बाय एज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल। बी के कैपिटल में डालना है 1225 और 175। क्लियर है? समझ गए इस चीज को? और ए और सी का कैपिटल डेबिट कर दीजिए टू बी कैपिटल करके 1225 और 175। यहां तक की बात क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अभी देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है यहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां से एडजस्टमेंट इन कैपिटल, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीबीएसई में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। 12 स्टूडेंट खास करके सुने इस चीज को। उन्होंने जो है एडजस्टमेंट इन कैपिटल के लिए बोला है आगे कि रीएडजस्ट करो फर्म की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो हम रीएडजस्ट करेंगे कैपिटल को, ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला हुआ है? टू ब्रिंग इन सुफिशियंट कैश टू पे ऑफ बी, ए और सी पार्टनर बी को रुपया पेड करने के लिए, जितना भी बी को रुपया पेड करना है वो रुपया लेकर के आएंगे। ठीक है जी, बात ये ठीक है। और कह रहे कि इतना रुपया लेके आए कि आपके पास जो कैश या बैंक का बैलेंस है एसेट में, उसमें 1000 रुपया बच भी जाए। मतलब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उन्होंने ये कहा कि जो है हमें अपनी कैपिटल को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है कि हमारे पास 1000 रुपया तो कैश में बच जाए, ठीक है, और जो बी रिटायर होकर जा रहा है उसकी कैपिटल भी जो है पेड हो जाए, ये भी बात ठीक है, और ए और सी की कैपिटल भी चेंज हो जाए नई प्रॉफिट सेविंग रेशो के अकॉर्डिंग। तो ये इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था, लेकिन बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करना क्या है, आप एक बार जो है ये टोटल करके इनका बैलेंस कैरी डाउन निकालो बस एक बार, फिर उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। मैं टोटल कर लूं, इसका टोटल कितना आ गया? 9000। इसका अगर मैं टोटल करूं तो इसका टोटल मेरे पास कितना आ गया? 8400। ये आप कर सकते हैं। इसका टोटल करेंगे तो कितना आ गया? 5000। यही मैं इस तरफ लिख दूं डेबिट की तरफ, 5000, 8400 और ये 9000। इतनी बात क्लियर है? अब 5000 में से 175 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में, अरे हाँ एक चीज हमारे पास छोटी सी रहेगी, मैं जो है नहीं कर पा, रिवैल्यूएशन का लॉस हमने अभी तक नहीं शिफ्ट किया है। रिवैल्यूएशन का टोटल कर लीजिए, रिवैल्यूएशन का जो है हमारे पास टोटल आ गया 1440, ठीक है, 1440। ये पूरा का पूरा क्या बच गया? लॉस बच गया। और टू लॉस हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर करेंगे। और ये लॉस किस किस में ट्रांसफर करेंगे? ए में, बी में और सी में। किस रेशो में ट्रांसफर करेंगे? ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करेंगे। ओल्ड रेशो क्या है? इक्वल रेशो है, तो 1440 को इक्वल रेशो में डिवाइड कर दो तो 480 रुपए एक व्यक्ति के में आते हैं।
ठीक है, मैं इसको एक बार डाल देता हूँ टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि लॉस है तो डेबिट में जाएगा ना, 480 480 480। ठीक है, ये लॉस डाल दिया, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 5000 में से ये दोनों अमाउंट घटा लीजिए, 4345। क्लियर है? 8400 में से 480 माइनस कर लीजिए, 7920 आ जाता है, और 9000 में से ये अमाउंट माइनस कर दीजिए, 7295 आ जाता है, टू बैलेंस कैरी है। अभी देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो पार्टनर बी तो रिटायर होकर जा रहे हैं, इसका अमाउंट को कैरी डाउन क्यों कर रहे हैं, ये तो पेड कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए कहीं। हाँ बिल्कुल आप सही हो, लेकिन एक बार थोड़ा हमें कैपिटल को भी तो एडजस्ट करना है ना, ए और सी की कैपिटल को, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बी की कैपिटल के अकॉर्डिंग रुपया भी लेके आना है, तो थोड़ा सा एक बार धीरज धरिए और क्वेश्चन को देखते जाइए। कैरी डाउन जो अमाउंट है वो यहाँ लिख दीजिए बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके, 7295 7920 4345, और यहाँ लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब टू बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकलेगा वो अब ध्यान से लिखना। अब देखिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बड़े ध्यान से सीखना इसका, क्वेश्चन का एडजस्टमेंट इन कैपिटल करने के लिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें इतना रुपया लाना है कि बी की पेमेंट हो जाए, तो बी के लिए कितना कैश लाना पड़ेगा आपको बी की पेमेंट हो जाए, 7920। एक तो ये रुपया लेके आना ए और सी को, एक कैश में आपके पास 1000 रुपया बच जाए तो कैश भी लाना पड़ेगा 1000 रुपए के बराबर का, ये लिख दिया आपने। ठीक है, ए की कैपिटल और सी की कैपिटल एडजस्ट होंगी नई प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो ए की कैपिटल कितनी है 7295 और सी की कैपिटल कितनी है 4345। इतनी बात क्लियर है, समझ गए इस चीज को। तो ये हो गए चार अमाउंट, इन चारों को आपने क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, तो इन चारों को जोड़ करके आपके पास रुपए कितने आ गए 20560 रुपया। क्लियर है, समझे यहां तक, हो गया। अब एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, देखिए 20560 कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन क्या कहा कि एसेट में जो ये कैश है ना इसमें सिर्फ 1000 ही बचने चाहिए, ये लिख दिया मैंने 1000 ही होनी चाहिए, क्वेश्चन वाला खुद ही कह रहा है। तो पुराने बैलेंस शीट में भी एक कैश आपके पास कितने रुपए का 6496 मतलब 6496, उसके कोई जरूरत नहीं है ना, तो उसको इसमें से क्या कर लीजिए यूटिलाइज करके माइनस कर दीजिए 6496, क्योंकि वो खुद कह रहे ना कि नई बैलेंस शीट में सिर्फ 1000 रुपए का कैश चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, उसको माइनस कर दो, खत्म करो 6496 जो ओल्ड है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको यूज कर लेंगे, तो टोटल कितना बचा 14064 रुपए। समझ आया? फर्म की अब जो ये कैपिटल है ये कितनी होनी चाहिए, 14064 होनी चाहिए, जो ए की और सी की जो कैपिटल बनेगी उसका टोटल कितना होना चाहिए 14064। अगर इतना टोटल होगा तो क्या होगा कि बी की पेमेंट हो जाएगी, बी रुपए लेके चला जाएगा 7920 टू कैश से, बी को 7920 की पेमेंट हो जाएगी, 1000 रुपया कैश में भी बच जाएगा, ए और सी की कैपिटल भी नई की अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, और जो है 6496 रुपए यूज भी हो गए हैं, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 14064 होनी चाहिए। उसमें ए का शेयर कितना होना चाहिए और सी का शेयर कितना होना चाहिए, ए का शेयर होगा 14064 गुना जो उनकी न्यू रेशो है, न्यू रेशो कितनी है 5/3 गुना 5/8, और सी का शेयर कितना होगा 14064 गुना 3/8। क्लियर है? तो ए का, सॉरी एक मिनट, तो ए का शेयर कितना होगा 87090 और इसका शेयर कितना होगा 5274। इसको लिख दीजिए इस तरफ 87090 और सी का शेयर कितना होना चाहिए 52074। यहां तक की बात क्लियर है? टोटल कर लो आप खाली, देखिए बी का तो अमाउंट पेड हो गया 7920 7920, खत्म होगी बात यहाँ पे। क्लियर है इतनी चीज? जो ये 4345 रुपए है हमारे पास में, इसकी 4345 है और होने कितने चाहिए 5274 रुपए होने चाहिए, है ना, तो 929 रुपए
ये लाएगा किसमें, बाय कैश, ठीक है। टोटल हो जाएगा 5274। यहां तक की बात क्लियर है। इसकी कैपिटल है कितनी, 7295 होनी कितनी चाहिए, 8790 रुपए, मतलब 8790 होनी चाहिए, और है कितनी, 7295, तो इसे करके आना पड़ेगा 14950, ये हो जाएगा 87090। क्लियर है, समझ गए इस चीज को, क्लियर है ये वाली चीज। अब देखिए ये जो कैश लाए है ना, इसको आपको करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा इस नोट में ही कवर हो चुका है और आपका कैश का बैलेंस 1000 रुपया बच चुका है। कोई चीज और करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल का टोटल हो चुका है, बैलेंस शीट बन चुकी है, 8790 इसमें डाल दीजिए और 7274 इसमें डाल दीजिए, टोटल कर लीजिए बस अपना बैलेंस शीट का 21420, ये आपकी बैलेंस शीट कर, ठीक है, ये करना है स्टूडेंट आपको। ओके स्टूडेंट, देखना और करना।